क्या आप जब भी बालों में कंघा करते हैं या फिर आईने में हेयर स्टाइल चेक करते हैं आईने के सामने खड़ा होकर, तो सोचते हैं कि मैं गंजा हो रहा हूं? अगर ऐसा है तो ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। लेकिन यह भी सच है कि बेहतर लुक्स के लिए हेयर ट्रांसप्लांट आज एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभरा है। हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर जरूर है, लेकिन यह प्रोसीजर बहुत सावधानी से और मरीज को बेहोश करके किया जा सकता है। किसी भी दूसरी सर्जरी की तरह इस सर्जरी में भी तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा बना रहता है। इसलिए अगर आप भी घने बालों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट यानी बाल उगाने का कारोबार ब्यूटी का जरूर लगता है, लेकिन ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसलिए अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ये समझिए कि ये सर्जरी जैसा ही काम है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और संवेदनशील भी है। आज हम आपको सीधे ऑपरेशन थिएटर में लिए चलते हैं। यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट ही किया जा रहा है। इस सेंटर में ओटी मौजूद है, ट्रेन्ड स्टाफ है और डॉक्टर्स भी हैं। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट ठीक है, छोटा सा प्रोसीजर है, बट एक सर्जरी तो है। उसमें किसी का बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, किसी का शुगर फ्लक्चुएट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एटलीस्ट क्लिनिक एंड डॉक्टर शुड बी एबल टू मैनेज कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो। सो एटलीस्ट सारी इमरजेंसी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, इमरजेंसी किट अवेलेबल होनी चाहिए, अच्छी लाइटिंग, एक एक इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी इक्विपमेंट, कि कई क्लिनिक्स ऐसा करते हैं या कई क्वैक्स जहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड टीम नहीं है, वो लोग कई बार इंस्ट्रूमेंट्स को भी रीयूज़ कर सकते हैं, प्लस उतने अच्छे रिजल्ट्स जो पेशेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं फिर वो नहीं आते। हेयर ट्रांसप्लांट में आमतौर पर मरीज के सिर के पीछे के ही बाल लिए जाते हैं और वही आगे लगा दिए जाते हैं। सिर पर बिल्कुल बाल ना हो तो दाढ़ी या स्किन से बाल लिए जा सकते हैं। एक बाल लगाने का खर्च औसतन 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक भी आ सकता है। आमतौर पर 2 से 3 हजार बाल लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट से पहले ये तय करना होता है कि किस हिस्से में बाल लगाने की जरूरत है। इसी स्टेप से ये डिसाइड होता है कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, कितनी डेंसिटी रहेगी, फ्रंटल हेयरलाइन कैसी होगी, कितनी डेंसिटी आएगी, क्या डायरेक्शन होगा बालों का, क्या एंगल होगा, ये सारी चीज़ें हेयरलाइन में ही डिसाइड होती है। इसी से यू कैन से ओवरऑल लुक डिसाइड होता है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले हम हमेशा सारा प्रोफाइल कराते हैं। उसमें हम देखते हैं कहीं कोई हार्मोनल कंसिड्रेशंस तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई डायबिटीज़ या शुगर लेवल्स फ्लक्चुएशंस तो नहीं है, कभी कभी अनकंट्रोल डायबिटीज़ या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसे केसेस में हम हेयर ट्रांसप्लांट को पोस्टपोन कर सकते हैं या हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करवाने के बाद बालों की देखभाल भी जरूरी है। सर्जरी है इसमें, क्योंकि इंजेक्शन लगाते हैं, इसे सुन करते हैं, तो उसके बाद में ये ऐसे ही तो नहीं रह जाए क्या, कई सारे सवाल थे। लेकिन जब सर्जरी कराई तो उसका अनुभव बहुत बढ़िया रहा। आपको मैं सही में दिल से बताऊं तो जब दूसरे दिन में आया तो उस दिन तो जब ये सर्जरी कर रहे थे तो मुझे नींद भी आ गया। मैं काफ़ी देर तो मैं आँख बंद करके सोता रहा और ये सर्जरी करते रहे। अभी अपना प्रॉपर मेडिसिन चल रही है और एक आध शैम्पू है, वो शैम्पू ले रहा हूँ और प्लस मल्टीविटामिन्स इन्होंने दिए हुए हैं। मैंने सितंबर में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और उसके बाद से अभी 3 बार मेरे पीआरपी सेशंस हो चुके हैं। सिंस मैंने कराया है अभी जल्दी में ही, तो जल्दी जल्दी पीआरपी सेशंस लेने होते हैं। 30 मिनट्स का प्रोसीजर है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एलर्जी की दवा लेने वाले मरीजों को हेयर ट्रांसप्लांट सावधानी से ही करवाना चाहिए। दरअसल इस सर्जरी के बाद मरीज को जख्म सूखने की कई दवाएं दी जाती हैं। ये दवाएं एलर्जी के मरीज के लिए खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे मरीज जिन्हें पेसमेकर लगा है या फिर कोई दूसरा आर्टिफिशियल डिवाइस लगा है, उन्हें भी हेयर ट्रांसप्लांट का रिस्क लेने से बचना चाहिए। इस ऑपरेशन के दौरान दिया जाने वाला एनेस्थीसिया और ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया दिल के रोगियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो जो बाल लगाए जाते हैं उसमें से 50 से 70% बाल झड़ जाते हैं, लेकिन
ये उस प्रोसीजर का हिस्सा है। 3 से 4 महीने बाद वो ग्रोथ फिर से आने लगती है ट्रांसप्लांट कराने की वजह से, और 6 महीने से लेकर 1 साल में हेयर ट्रांसप्लांट के बेहतर नतीजे नजर आते हैं। तो सावधानियां क्या बरतनी है उसका ख्याल सेंटर को रखना जरूरी है, और रिजल्ट्स की बेहतरी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि तकरीबन 6 महीने से 1 साल लग सकता है जब आपको ये समझ में आएगा कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट असल में कामयाब हुआ है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।